नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ पुष्पहीना का रिव्यू, और ये किस तरीके की मेहंदी है, कैसा कलर देती है और कैसे इसे आपने यूज करना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपसे मेरी आने वाली कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो इस वक्त मेरे हाथ में है पुष्पहीना फॉर योर हेल्दी नरिश्ड हेयर। सभी चीजें उसके ऊपर मेंशन की हुई है। क्यूट सा पैकेट है। वैसे ये छोटा सा पैकेट जो मैं आपको बता दूं, इसकी जो क्वांटिटी है वो छोटे बालों के लिए काफी होगी, छोटे बालों में इजिली लग जाएगी ये, लेकिन मेरे लंबे बाल हैं तो नहीं लगेगी, इसलिए मैंने दो पाउच लिए हैं। और आप सोचेंगे ये दो पाउच ही हैं, क्योंकि गाइस मैंने बहुत पहले खरीद कर रख ली थी, लॉकडाउन से पहले मैंने परचेज कर रखी हुई थी। उनके पास दो ही पाउच थे, और होते तो मैं और ले आती, लेकिन मैंने इसका रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर करना था। फिलहाल मैं बता दूं कि मैंने भी इसे फर्स्ट टाइम ही परचेज किया है और मैंने कभी पहले नहीं लगाई है ये पुष्पहीना, तो मैं भी देखना चाहती थी कि किस तरह की मेहंदी है, क्योंकि एक रिक्वेस्ट भी आई थी कि आप रेड कलर की हीना बालों में अप्लाई कर देखिएगा। तो ये रेड कलर की हीना ही है, तो इसे मैं अप्लाई करूंगी अपने बालों में। और इसके ऊपर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, सभी चीजें मेंशन की हुई हैं। इसे आपने कैसे तैयार करना है मैं बता देती हूँ। आपने इसे ठंडे पानी में ही घोलना है इस मेहंदी को, और दो तीन घंटे तक भिगोकर रख देना है, जैसा कि इसके ऊपर मेंशन भी किया हुआ है, आप देख सकते हो। उसके बाद 3 से 4 घंटे तक अपने बालों में लगा रहने दें, और आप अपने बालों को शैम्पू कर लीजिए, जो भी आप शैम्पू इस्तेमाल करते हैं। तो मैं देखना चाहती थी कि किस तरह का कलर है इसका और किस तरह से ये शाइन देता है बालों में। तो चलिए अब मैं इस हीना को घोल कर रख लेती हूँ, और 2 घंटे बाद में इसे अपने बालों में अप्लाई करूंगी, और फिर मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगी कि किस तरह का रिजल्ट आया मेरे बालों में। और गाइज, इसकी जो प्राइस है ये है 20 रुपीज के पाउच है, और मेरे पास ये दो पाउच है 20 रुपीज 20 रुपीज, यानी कि दोनों पाउच मुझे 40 रुपीज के प्राइस में मिल गए थे। और गाइज, मैं आपको इसकी क्वांटिटी बता देती हूँ। इसकी जो क्वांटिटी है 20 ग्राम है। और फ्रेंड्स, इस हीना को मैंने नॉर्मल मार्केट से ही परचेज किया था, तो आपको इजिली मिल जाएगी, नॉर्मल मार्केट में भी मिल जाएगी। अगर मुझे ऑनलाइन इसकी लिंक मिलती है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी, अगर मुझे मिलती है तो। तो अभी मुझे 2 घंटे हो चुके हैं इस मेहंदी के घोल को बनाए हुए, तो ये देखिए कलर इसका मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये देखिए। तो अभी मुझे 2 घंटे हो चुके हैं, मैंने अपने बालों में अच्छे से कॉम्ब भी कर लिया है। और हमेशा की तरह एक बात दोबारा बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, कि जब भी आप कोई हीना फर्स्ट टाइम ट्राई करते हैं तो एक बार पैच ट्राई जरूर कर देखिएगा, कान के पीछे लगाकर देख लीजिएगा या फिर कोहनी के पास लगाकर देख लीजिएगा। अगर आपको कोई भी इरिटेशन वगैरह, इचिंग वगैरह अगर नहीं होती है, तो इसका मतलब ये आपको सूट कर रही है। और अगर आपको कोई रेडनेस वगैरह या इचिंग की प्रॉब्लम होती है, तो आप उस मेहंदी को मत अप्लाई कीजिएगा। और जब भी आप मेहंदी अप्लाई करें तो आपके बालों में ऑयल वगैरह नहीं लगा होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मैंने अपने बालों में शैम्पू किया हुआ है, ये देखिए। तो अब मैं इस मेहंदी को अपने बालों में अप्लाई कर लेती हूँ। तो यहां से मैंने बालों का थोड़ा सा सेक्शन ले लिया है, और अब मैं यहां से अपने बालों में मेहंदी को लगाना स्टार्ट करूंगी। और इस मेहंदी को लगाने के बाद जब ये मैं इसे वॉश करूंगी ना, तो मैं इसमें शैम्पू से अपने बालों को वॉश नहीं करूंगी, क्योंकि मैं आपको एक्चुअल शेड दिखाना चाहती हूँ कि इसका कलर क्या है। और आप देख सकते हो कितना प्यारा कलर है, हाथों में भी काफी अच्छे से रच गया है, ये देखिए। तो ये देखिए, मैंने मेहंदी को बालों में लगा लिया है। बहुत अच्छे से नहीं लगी है, मुझे पता है आप सोचेंगे कि इतनी थोड़ी सी मेहंदी भी तुमने लगा ली है, पर ऊपर के बालों में इतने अच्छे से अप्लाई नहीं की है। बट मैं आपको इसका एक्चुअल शेड धूप में ही दिखाऊंगी, तभी आप जान पाएंगे कि कैसा कलर आया है इसका, और मैं भी तभी जान पाऊंगी। तो मैं इस मेहंदी को 1 या 1.5 घंटे तक लगाकर रखूंगी, क्योंकि अभी गर्मियां हैं तो जल्दी सूख जाएगी। उसके बाद मैं अपने बालों को वॉश कर लूंगी, ठंडे पानी से ही वॉश करूंगी, कोई भी शैम्पू वगैरह अप्लाई नहीं करूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी मेहंदी जो है वो सूख चुकी है, और मुझे 1.5 घंटा हो चुका है इस मेहंदी को लगाए हुए। तो मैं अपने बालों को वॉश करके आती हूँ, और उसके बाद सूखने के बाद मैं आपको रिजल्ट दिखाती हूँ।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया है, सुखा भी लिया अच्छे से। अब मैं धूप में आपको अपने बालों का कलर दिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे आपको ब्लैक ही नजर आएंगे मेरे हेयर, क्योंकि अभी यहाँ पर थोड़ी सी छांव है। तो मैं आपको धूप में भी एक बार दिखा देती हूँ कि किस तरह का कलर आया है। और आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि कितना अच्छा कलर आया है मेरे बालों में। मुझे कलर बहुत ज्यादा पसंद है और आज मुझे अपने बाल बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। कलर भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि ये मेरा फेवरेट कलर भी है बालों को लेके, और बहुत ही अच्छा शेड आया है बालों में। और गाइस एक चीज और बता दूं आपको कि मैंने यहां पर शैम्पू नहीं किया है अपने बालों में, क्योंकि शैम्पू जब कर लेते हैं तो आपके बालों का सारा जो कलर है वो निकल जाता है। इसलिए मैंने यहां पर शैम्पू नहीं किया है। मैं अब रात में अपने बालों में अच्छे से मसाज करूंगी और उसके बाद कल को मैं शैम्पू करूंगी अपने बालों में। एक चीज बताना चाहती हूँ दोस्तों आपको यहाँ पर, कि जिन लोगों को बालों में रेड कलर पसंद है करना, तो वो इस मेहंदी को जरूर ट्राई कर सकते हैं। पुष्पीना मेहंदी है ये, और अगर मुझे इसका ऑनलाइन लिंक मिलता है मैं आपको दे दूंगी, एक बार चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स को। और गाइस बहुत ही अच्छी मेहंदी है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा है ये कलर अपने बालों में, और मुझे आज अपने बाल और भी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। मैं इस तरह का कलर करना भी चाहती थी काफी टाइम से ट्राई, और आपने जैसा कि रिक्वेस्ट भी किया था कि आप रेड कलर ट्राई कीजिएगा बालों में, तो मैंने इसलिए ये रेड कलर की हिना ट्राई की है अपने बालों में। मुझे बहुत ही अच्छा लगा है ये शेड, आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो अगर आप इस तरह का शेड चाहते हैं तो। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने अपने कमेंट बॉक्स में भी आप देखेंगे मैंने कुछ वीडियोस के लिंक शेयर किए हैं, तो प्लीज उन्हें भी एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, आई एम श्योर आपके लिए हेल्पफुल होगी। और अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा मेरे वीडियो को, और कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आपको मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी। मैं आपसे मिलती हूँ और भी अमेजिंग सी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।